तस्वीरें दिखा रहे हैं। हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह बीजेपी का दामन थामने पहुंचे, और आपको बता दें कि कमलेश सिंह अब एनसीपी के नहीं बीजेपी के विधायक कहलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दामन कमलेश सिंह ने थाम लिया। इस दौरान उनके साथ मंच पर बाबूलाल मरांडी, हिमंता बिस्वा शर्मा और कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। आप कमलेश सिंह की तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक रहे कमलेश सिंह अब बीजेपी के कहलाएंगे, यानी अब कमलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हुसैनाबाद से एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिवराज, हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी भी आज बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, और आपको बता दें कि कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ने बीजेपी की सदस्यता कमलेश सिंह को दिलाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा इस दौरान मौजूद रहे, और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कमलेश सिंह ने थाम लिया है बीजेपी का दामन, अब एनसीपी की नहीं बीजेपी के विधायक कहलाएंगे। हुसैनाबाद से विधायक कमलेश सिंह, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह बीजेपी के हो गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में एक मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हुसैनाबाद से साबित होंगे कमलेश सिंह। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक रहे कमलेश सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें माला पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सैकड़ों समर्थकों के साथ आज कमलेश सिंह बीजेपी के हो गए हैं। पिछले दो बार से विधायक रह चुके कमलेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। करीब 25 सालों से एनसीपी के साथ जुड़े हुए थे, और आपको बता दें कि झारखंड एनसीपी के अध्यक्ष रह चुके हैं कमलेश सिंह, और आज उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह बीजेपी में हुए शामिल, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक पहुंचा रहा है। सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं कमलेश सिंह। आपको बता दें कि हुसैनाबाद से एनसीपी के विधायक रहे हैं। पिछले दो टर्म से लगातार हुसैनाबाद की जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे कमलेश सिंह। हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी के साथ अब बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस मिलन समारोह में शामिल हुए। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने थामा कमल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं कमलेश सिंह। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान
मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा और बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कमलेश सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। हुसैनाबाद से बीजेपी के लिए मजबूत स्तंभ के तौर पर उभर कर सामने आएंगे कमलेश सिंह। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने कमलेश सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का कमलेश सिंह ने दामन थाम लिया है। आपको बता दें, पिछले 25 सालों से एनसीपी के साथ जुड़े हुए थे, झारखंड एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कमलेश सिंह, और पिछले दो टर्म से हुसैनाबाद की जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेज रही थी और उम्मीद जताई जा रही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कमलेश सिंह हुसैनाबाद से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कार्यालय में मिलन समारोह का किया गया आयोजन। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने थाम लिया है भारतीय जनता पार्टी का दामन। आपको लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत दिखा रहा है, रांची के बीजेपी कार्यालय से, रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए मुझे एक प्रक्रिया आपको मैं करना चाहूंगा आपके माध्यम से। सब लोग अपना अपना मोबाइल निकाल लें, मिस कॉल करना है। सभी लोग अपने अपना मोबाइल निकाल लीजिए, जितने लोग हैं जिनके पास मोबाइल है सब अपना अपना मोबाइल निकालें, निकाल लिए। और मैं जो नंबर बोलूंगा उसको आपको मिस कॉल में डालना है, उसके बाद उधर से आपकी सदस्यता का नंबर आएगा, फिर उसमें फॉर्म आएगा, उसको भरना है। साथ ही बाद में फॉर्म भी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।